सनी की अम्मी पापा के लिए क्यों लगाए हुए हैं। तो मैं अगर रेडी हूँ कि अम्मी ने मुझे कहा था ऐसे जो घूमती रहती हो ना ऐसे नहीं आ जाना, थोड़ा सा अच्छे से तैयार व्यार होके आना। देखो मैंने चूड़िया उड़िया सब कुछ पहन लिया। कैसी लग रही हो? मैं कैसा लग रहा हूँ? आप ठीक लग रहे हैं। अम्मा का नाम लिखा है? और क्या नाम लिखा है? ये चश्मे का ना हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन था क्योंकि अम्मा को पास का और दूर का दोनों का नंबर है। तो पहले जो बीच में हमने कानपुर से बनवाया था उसमें ना वो ठीक से नहीं बना था तो वो वेस्ट गया। इस बार ना उन्होंने कोई हाई वाला अच्छा बनाया है तो उम्मीद करते हैं जब वो लगाए तो उनको सही लगे। खाने के नीचे रखने वाले ऐसे रखो गंदा नहीं होगा है। तो ये टिश्यू टाइप होते हैं। अच्छा रही पोस्ट है। हाँ बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बना बहुत ही यम्मी से चीजें बनाई थी। बहुत मजा आया सबके साथ खाने में बैठने में। इतने स्लो मोशन में खोलते हो क्या खा रही थी? पान मीठा पान। अरे वो कोई आ रहे हैं अभी मिलने। आपने बोला तैयार होके आना। हाँ। तो अच्छी लग रही थी। दावत को तैयार होके जाना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको पता है सूट हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था दिल्ली के लाजपत नगर से। और चूड़ी भी मैंने पहन ली। लो भैया नीचे जाने लगे वॉक पे तो बारिश आ गई तो मैंने सोचा ये पार्सल को अनबॉक्स कर लेती हूँ। अनबॉक्सिंग तो आप लोगों को भी अच्छी लगती हो। अरे ये तो सही का पौधा है। असली का होने के टाइम पे आपका वीडियो देखकर वो सोती है। वो आपको डीएम नहीं करी आपने उसको जवाब नहीं दिया। मैंने नहीं देखा। क्या नाम है आपका? सॉरी मैं आपसे काम चेक कर। ये डाई हार्ट फैन है। डाई इतना परेशान कर अच्छे से करते हो। अस्सलाम वालेकुम। आप तो आपकी तो बात ही अलग है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आप उसमें दिखते हो उसमें मतलब सामने से बहुत अच्छा। अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे। आमीन या रब। आमीन या रब। आज चौगनी आपको बहुत अच्छे से खुश रहो बस हर नजर से बचाए। मैं आपकी चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आज के दिन बहुत अच्छा था। दावत भी हो गई है। कुछ प्यारे से लोग मिलने आए थे वो फ्लावर लेके आए थे तो मैंने डिसाइड किया कि बेड के साइड में अगर मैं कोई भी फ्लावर या कुछ भी लगाऊंगी तो सिर्फ रियल वाले लगाऊंगी क्योंकि अलग ही एक पॉजिटिविटी आती है। और आप देखेंगे अगर मैंने इसमें पानी में रखा था ना तो ये पूरे एक हफ्ता चल गया। तो कोई भी रियल फ्लावर को ना पानी में रख दिया। कल फिर हमें जल्दी उठ के सुबह डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि जो पहले टेस्ट कराए थे अब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे फिर उस हिसाब से वो मेडिकेशन देंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। Next morning. तो अभी हम निकलने लगे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जल्दी से तो मैं खा रही हूँ एग्स। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग आ गए थे उडुपी रेस्टोरेंट। यहाँ की चाय कॉफी बहुत अच्छी होती है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। अब हम कार का वेट कर रहे हैं और चलते हैं घर। तो इस वक्त हमने जूम में डॉक्टर को दिखा दिया। अभी हमारे मेडिसिन ले। आज मैं बनाऊंगी सांभर चावल। इतनी सी अम्मी मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं सांभर बनाऊंगी। मैं सनी से बोल देती हूँ मुझे मुंडी की फली ला देंगे तो कहती मत मंगाओ बेटा मेरे पास रखी है। और जब दिया तो इतना दिया खोदा बाहर निकली चिड़िया वाले में साल हो गई। इतने में तो काम नहीं होगा। और ये अंदर से तो भैया सूख गए। छील देंगे? नहीं नहीं सूख के मंगा लेते हैं। रुके बना रहे हो भिंडी? भिंडी पापा के लिए हमारी रखी है दाल भिंडी। अपने मामू से बोलो मामू तो लेके आएंगे। आज फ्रेंड ज्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत सब जल्दी जल्दी हुआ और फिर वही सेम इतनी दूर जाना आने के बाद सच में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। मैं दो हम लोग जा रहे हैं क्यूटिस हमारे स्किन ट्रीटमेंट के लिए। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग क्यूटिस क्योंकि एक महीने से ज्यादा हो गया। फेशियल हेयर भी थोड़े थोड़े आ गए हैं तो फिर लेजर करा लो ना तो फिर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और ये भी आया है। थैंक यू। चाय एक विदाउट शुगर और एक शुगर के साथ। अच्छा सर वेलकम भी हो गया। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। आ जाइए।
ये हमारा ट्रीटमेंट वाला रूम। स्पेशली मुझे कराना है आज फेशियल लेजर हेयर ट्रीटमेंट। इससे पहले बार जो कराई थी ना फ्रेंड्स, उससे ग्रोथ बहुत कम हुई है, मतलब 1.5 महीना हो गया है और इतना नहीं हुआ है, तो मुझे रिजल्ट अच्छा दिखा है तो मुझे मोटिवेशन आया। A few moments later. अब तो चमक रही है तुम तो। मैं भी आज सो गया था, अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आपको ये बताना था कि हम पापा के अभी जाने का टाइम भी आ रहा है, तो शॉपिंग भी करानी है और रक्षाबंधन के लिए मुझे कपड़े लेने हैं। चलो फिर दिलाते हैं तुम्हें। तो हम लोग ऑटो में आ गए थे और वो लोग आ रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी में मम्मी बेटी खाला अम्मा पापा। ये चिड़िया भी खाती है क्या? चॉकलेट चिड़िया चॉकलेट अच्छी। तो मैं अपना फेस कवर करके ऐसे किया, आपको भी करनी है तब स्किन ठीक होती है। अभी चल रहे स्टारबक्स क्योंकि अम्मी लोगों के आने में टाइम है। क्या मुझसे कह रही है? अब से मेरा लास्ट मौका था, मैंने पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा आपसे मेरा लास्ट मौका था, आपसे ब्लैक कॉफी ही लिया करूंगी। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा लास्ट मौका था, मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया यार इसका। यार मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या कर दिया। ये अच्छे लगते हैं, ये पैंट और ये दुपट्टा और एक ये
इसी का ही कलर है, ये वाला जो मैंने ऑफ वाइट वाला लिया था, ये है अम्मी का सूट। ये वाला सूट लिया है हमने बाजी के लिए, मतलब सैनिक जो अभी उनके लिए कोई दमाम जाने वाला है मौदहा से, तो अम्मा स्टिच करा के उनको वहाँ से भेज देंगी। ये सबको उनके लिए अच्छा लगा था। ये है बेटी खाला के आउटफिट, उनको स्टिच चाहिए थे तो उन्होंने कहा उनके पास बहुत सारे अनस्टिच हैं, सिलाने का टाइम नहीं मिलता, ये वो। तो ये कुर्ता है, ये दुपट्टा है, नीचे पैंट है, और एक उनको ये लखनवी चाहिए। और मैंने आज क्या के लिए आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। एक तो ये सूट है, जैसे मैंने ब्लैक लिया है ना, उसका एक कलर था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हल्के कलर ही हमेशा पसंद आते हैं। एक जॉर्जेट वाला कपड़ा लिया, जैसे रिजा को बनाया है ना हमने फ्रॉक, ये वो वाला कपड़ा है। जैसे मैं पहनी हुई हूँ, ये मेरा बीबा का आउटफिट है, ये पैटर्न वाला, तो ये कल मैं सुबह जमीर भाई को दूंगी और उनसे मुझे इस पैटर्न का ये सिलवाना है, देखते हैं कैसा बनता है, फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत टाइम से फ्रेंड्स मैंने हुडीज या स्वेटशर्ट नहीं खरीदा, तो आज हम जब एडिडास में गए थे ना, वहाँ पे टंगा हुआ था, सर कलर बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी तरह ही लूज वाला ओवरसाइज वाला पैटर्न था, तो मैंने ये ले लिया। सब कुछ हो गया, आप सोएंगे, बहुत थक गए। ये आपको अभी दिखाएंगे, ये आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये है गिफ्ट।